रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर भारत में महंगाई भी बढ़ा सकता है और साथ ही इन दोनों देशों के साथ व्यापार पर भी असर पड़ना तय है। यहाँ भारत के सामने इस युद्ध के चलते महंगाई के अलावा क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आइए जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि इसके बावजूद भारत में तेल के दाम नहीं बढ़े क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। वैसे देश में पिछले साल की 4 नवंबर से लेकर अब तक तेल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन चुनाव खत्म होते ही दाम बढ़ना तय माना जा रहा है। कच्चे तेल के दाम अगर $100 प्रति बैरल से ज्यादा बने रहे तो भारत में थोक महंगाई में लगभग 2-3% का इजाफा होगा। कच्चा तेल की हर एक डॉलर प्रति बैरल बढ़ने पर देश पर तो 10,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा सनफ्लावर उगाने वाला देश है, इसलिए इस युद्ध का असर सूरजमुखी के तेल के दामों पर भी पड़ेगा। 2020 और 21 में भारत ने यूक्रेन से 14 लाख टन सनफ्लावर ऑयल आयात किया था। अब युद्ध छिड़ा है तो सनफ्लावर ऑयल की कीमतों में उछाल देखा जा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध का असर गाजियाबाद के व्यापार पर भी पड़ा है। यहाँ करीब 80 से 100 फैक्ट्री ऐसी हैं जिनका इन दोनों देशों से एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट का काम है। इन दोनों देशों में गाजियाबाद से कृषि का सामान और कपड़े का निर्यात होता है, जबकि रूस और यूक्रेन से व्यापारी पेट्रोलियम पदार्थ और केमिकल आयात होता है, लेकिन युद्ध की वजह से कुछ भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा। गाजियाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन को अब तक करीब 100 करोड़ का नुकसान हो चुका है। भारत रूस को कपड़े, फर्म उत्पाद, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, लोहा, स्टील, केमिकल, कॉफी और चाय का निर्यात करता है। पिछले साल भारत ने रूस को 19,449 करोड़ का निर्यात किया और 40,632 करोड़ रुपए का आयात किया। यूक्रेन को भी भारत कपड़े, फर्म उत्पाद, दालें, केमिकल, प्लास्टिक का सामान, इलेक्ट्रिक मशीनरी का निर्यात करता है। इसी तरह से पिछले साल यूक्रेन को भारत ने 3,338 करोड़ रुपए का निर्यात किया और 15,865 करोड़ रुपए का आयात किया था। अर्थशास्त्री शरद कोहली का कहना है कि MSME सेक्टर भारत के 95% से भी ज्यादा बिजनेस से मिलकर बनता है। अगर MSME सेक्टर युद्ध के कारण डिस्टर्ब होता है तो इसकी वजह से साथ ही इनपुट कॉस्ट फ्यूल इन्फ्लेशन के कारण अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ती है तो GDP के ग्रोथ में 20-30% असर पड़ेगा, तो रेवेन्यू गिरेगा, जिससे नौकरी में छटनी होगी, तो इससे सीधा सीधा बेरोजगारी पर असर पड़ेगा। यानी युद्ध हर लिहाज से भारत के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए जल्द से जल्द युद्ध विराम होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।